हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि रेगुलरली मेरी एमसीक्यू जो मैं करवाती हूँ रोज़ के वीडियोस पे पूछ रहे हैं कि मैम अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। सो ये डिटेल रहेगी आपकी अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में। सो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं मैम DHS पंजाब की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। देखो इसलिए नहीं आई है बिकॉज जो BSc के पेपर है वो इस टाइम चल रहे हैं। आफ्टर द एग्ज़ाम आपको DHS की वैकेंसी जो देखने को मिलेगी, बिकॉज पहले ये था कि दिसंबर में पेपर हो जाएंगे बट इस बार जो है वो जनवरी में पेपर स्टार्ट हुए हैं होने। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। सो देखो बैचेस तो हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बिकॉज देखो ज़्यादा सिलेबस है और कंप्लीट करना ये नहीं 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता। एटलीस्ट 3 to 4 months लगते हैं एक प्रॉपर प्रेपरेशन के लिए जब आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन करते हो। सो पंजाब की है प्लस सेंटर लेवल की पोस्टों के बारे में आपको बताऊंगी। DHS पंजाब स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है वो कभी भी अब आ सकती है बिकॉज BSc के पेपर चल रहे हैं। जिस दिन फिनिश होंगे किसी भी दिन आउट हो सकती है। ये जो वैकेंसी है इसके लिए हमारा 999 वाला बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये प्रॉपर क्रैश कोर्स है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड MCQs विद टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स सिर्फ DHS वाले बच्चों के लिए है जो कि ओनली DHS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बिकॉज इस बैच में हम पूरा सिलेबस नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा सिलेबस करेंगे। सो ये बैच जो है 999 में आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, या फिर आप डायरेक्टली जो है मुझे मैसेज कर सकते हो DHS बैच 999 क्रैश कोर्स, तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। और ये अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है। सो ये आप मत पूछिए कि मैम कब आनी है बिकॉज मैं ऑलरेडी MCQs की क्लासेस जो 3 बजे आपकी लेती हूँ उसमें बताती हूँ कि एनी टाइम ये वैकेंसी जो है अराइव हो सकती है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी सेंटर लेवल की वैकेंसी जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो जेन और फेब में। देखो ये जनवरी में आने वाली थी, अब यही हुआ है। DSSB की जो वैकेंसी है उसकी जो डेट है वो आ चुकी है, वो है 13 फरवरी में इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो जाएंगे। ये अपडेट आपको जनवरी में आई थी, इसी मंथ में आई थी, ठीक है। तो मैंने एज कंपैरिजन आपको बोला था कि ये जनवरी में अपडेट आ जाएगा। ऊपर से ESIC का भी जो है अपडेट वो आ चुका है जनवरी में अगर आप चेक करोगे। सो ये वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है फेब में स्टार्ट हो जाएंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस सेल्फ। इन वैकेंसीज के लिए भी मेरा जो बैचेस है वो चल रहे हैं, एक है MCQ बैच, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, एक है आभारा फुल थ्योरी बैच। देखो ये सारे बैचेस ओरिएंटेड है अगर आपको हर एक पेपर की तैयारी करनी है। आपको ये नहीं है मुझे सिर्फ DHS के लिए जाना है, मुझे सिर्फ सेंटर लेवल के लिए जाना है, मुझे सिर्फ CHO के लिए जाना है। अगर आप इन किसी भी बैच में जाते हो तो आपको हर एक लेवल का पेपर जो है करवाया जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो उसके लिए प्रिपेयर कराया जाता है। सो MCQ बैच जो है हमारा 7999 का है, 99 का है सॉरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ 1499 का है। एंड जो फुल ऑल इन वन बैच है जिसमें आपको MCQs NORSET के लिए हर एक तरह का GK का क्वेश्चन वो सब करवाया जाएगा ओनली इन 2499 में। सो ये बैचेस इन सब चीज़ों के लिए चल रहा है। अगली है BFUHS स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो आपको एज अ सेम DHS की वैकेंसी आफ्टर BSc आपको देखने को मिलेंगी। ये पोस्टें साथ में निकलेंगी DHS एंड BFUHS की, जो हमें सोर्सेज से पता चल रहा है कि हाफ DHS की निकलेंगी, हाफ जो है DRME के अंडर निकलेंगी। उसके बाद है आपकी CHO पंजाब जो कि आपको पता ही है आफ्टर द एग्जाम्स आपको देखने को मिलती है मार्च और अप्रैल में। उसके बाद आपकी NORSET की जो है डेट आ चुकी है कि अप्रैल में आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये है आपकी अपकमिंग वैकेंसी जो आपको आने वाले 6 months में देखने को मिल रही है। थोड़ा सा वेट कर लो हफ्ते दो हफ्ते का BSc के पेपर खत्म होने दो, बट अगर आप सेंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप कोई भी बात ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो रेगुलरली 3 PM मेरी जो है MCQ उसकी वीडियो आती है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ 3 बजे की MCQ की क्लास में।